वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण की शुरुआत के साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से तमाम गतिविधियों के खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस क्रम में देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून से खोल दिया जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार केवल उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। धार्मिक स्थलों में परिसर में प्रवेश से पहले हाथ पैर साबुन से धोना जरूरी होगा। प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को मनाही होगी। परिसर में थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। वहीं फर्रुखाबाद के भी मंदिरों में घंटियों, घड़ियाल की आवाज संभवतः आगामी सोमवार से सुनाई देने लगेगी। इसके लिए भगवान की मूर्तियों की साज सज्जा और श्रृंगार समेत तमाम साफ सफाई के काम शुरू हो गए हैं। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पुजारी ने बताया, हम सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे, हम सैनिटाइजिंग की व्यवस्था बना रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मस्जिद प्रबंधन ने जानकारी दी है कि वहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम एहतियात वाले कदम उठाए गए हैं। मस्जिद में हम शारीरिक दूरी सुनिश्चित कराने के साथ ही श्रद्धालुओं को मास्क पहनना भी अनिवार्य करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जो 8 जून से मंदिर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो यहाँ पर मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो मंदिर प्रबंधक की कमेटी है, सबसे पहले ये व्यवस्था की गई है कि जो भी भक्त आएंगे सबसे पहले उनको साबुन से हाथ धुलना है, उसके बाद सैनिटाइज कराया जाएगा और मंदिर में 2 से 4 लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिसमें सभी की कम से कम 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे न तो सामूहिक कोई भजन होगा और ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ की जाएगी। अभी तो मंदिर की तैयारियाँ चल रही हैं, बाकी जो भी गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, वो गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि 8 जून से इंशाल्लाह जितनी भी इजाज़त मिल जाएगी। इस सिलसिले में मस्जिदों के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि मस्जिद के जिम्मेदारों को यह हिदायत की गई है कि जितनी भी मसाजिद हैं सब जगह से कारपेट है, दरी है, चटाई है, उसको हटा दिया जाए और पूरी मस्जिद को सैनिटाइज किया जाए और हर मस्जिद में एक वक्त की कम से कम 4 जमातें की जाए 15-15 के इंटरवल से, जिससे कि एक वक्त में एक जगह पर भीड़ जमा ना हो पाए। और नमाजी जो हैं वो बेहतर है कि घर से वजू करके आएँ और घर से वजू करके आएँ और घड़ी से टोपी भी लेकर आएँ, मस्जिद में चढ़ के टोपी भी इस्तेमाल ना की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का जमात में ही पूरा ख्याल रखा जाए। अगर इन तमाम बातों पर सब लोग सही तौर पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह किसी को कोई इतराज़ का मौका नहीं मिलेगा और इससे हम लोग कोविड-19 के ऐसे लड़ने में भी इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी हासिल होगी।